की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार में इन दिनों अपराध चरम सीमा पे है, अपराधी खुलेआम अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां समस्तीपुर जिला के नगर थाना क्षेत्र के शेख टोली में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है। घायल युवक को परिजनों और आसपास के लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसका वीडियो वायरल हो गया है। नगर थाना क्षेत्र का ये घटना है, समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां युवक ताबिस शेख को एक अपराधी आता है और उसे ताबड़तोड़ गोली से फायर करता है, उसके ऊपर गोली फायर करता है, लेकिन एक गोली उसके हाथ में लगती है और उसके बाद अपराधी वहां से फरार भी हो जाता है। वहीं गोली की आवाज़ सुनते ही लोग वहां इकट्ठे होते हैं। उसके बाद ताबिज के बांह के नीचे से खून निकल रहा था, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली, जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि युवक की हालत सामान्य है। उधर पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर जिला के नगर थाना क्षेत्र के शेख टोली का है, जहां अपराधी ताबिज शेख नामक एक युवक को गोली मारते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, दो युवक रात के समय में टहल रहे हैं, खाना खाने के बाद दोनों युवक ये टहल रहे हैं, तभी एक अपराधी वहां आता है और जेब से पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ ताबिज शेख पर फायर कर देता है। हालांकि ताबिज शेख के बांह में एक गोली लगी है, हाथ में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिहार के समस्तीपुर जिला के नगर थाना क्षेत्र के शेख टोली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं, दो युवक जिसमें एक युवक का नाम ताबिज शेख है, वो दोनों टहल रहे हैं, तभी एक अपराधी आता है और पिस्टल निकालकर ताबिज शेख पर फायर कर देता है। हालांकि ताबिज शेख के हाथ में गोली लगती है और ताबिज शेख वहां से भाग जाता है, उसके बाद अपराधी भी वहां से भाग जाता है। फिलहाल घायल ताबिज शेख को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हां, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहां हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।